पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? यस सर। टीचर वगैरह सब लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं? यस सर। कोई और दिक्कत? नहीं सर। खुश रही, वो हम करवाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की परेशानी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के, ठीक। और कभी कोई दिक्कत आए, कुछ आए, चिराग भैया है, हम वो आके बताइए। बैठने बैठने में बेंच बेंच का दिक्कत होता है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर तमाम जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चिराग पासवान आज अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव भछियार के प्राथमिक मध्य विद्यालय भी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने तमाम कक्षाओं का जायजा लिया और वहां जो पढ़ने आए थे बच्चे उनसे उन्होंने मुलाकात की और अपनी बातें तो रखी ही रखी, साथ ही साथ उनसे भी समस्याओं को जानने की कोशिश की। और चिराग पासवान जब उनसे मिलकर लौट रहे थे तो बच्चों ने उन्हें थैंक यू भी किया। क्या कुछ उस दौरान माहौल था वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे हो बच्चों? सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? यस सर। टीचर वगैरह सब लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं? यस सर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो उसे? उसको लेकर बिल्कुल पढ़ रहे हो? आप प्रिंसिपल टीचर, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? भैया इसमें जो है 5-7 बच्चा, लेकिन क्लास जो है बस 2 बच्चा। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हिंदी। हिंदी? यस सर। कोई और दिक्कत? नहीं सर। खुश रही, वो हम करवाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की परेशानी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के, ठीक। और कभी कोई दिक्कत आए, कुछ आए, चिराग भैया है, हम वो आके बताइए। बैठने बैठने में बेंच बेंच का दिक्कत होता है? करवाते हैं। चिराग पासवान 2014 से लगातार जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पिछले एक साल की अवधि को अगर देखें तो चिराग पासवान जिस प्रकार से लगातार पूरे बिहार के भ्रमण पर रहते हैं, कहीं भी कुछ घटना घटती है तो वहां भी पहुंच जाते हैं, और अभी चिराग पासवान अपने जो संसदीय क्षेत्र जमुई है वहाँ पर 2 दिनों से रुके हुए हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, चिराग पासवान जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उसे तत्काल तौर पर डीएम से बात कर उस समस्या के निदान की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान का जो जमुई दौरा है वो तो अभी चल ही रहा है, लेकिन बहुत जल्द कल से अगर बात करें तो आरा में उनका पदयात्रा भी होना है। जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की जान चली गई थी, उस मुद्दे को भी चिराग पासवान ने बखूबी अपने स्तर से काफ़ी उठाने का प्रयास किया था। और देखा जाए तो चिराग पासवान अभी हर मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर भी आते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।